हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। देखिए, आईटी सेक्टर में कई दिनों से आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो अब ये गिरावट क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम बात करेंगे। साथ साथ आपको इन सारी कंपनीज के बारे में बताऊंगा। इन 7 कंपनीज को आज मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, और पूरा एनालिसिस करेंगे टेक्निकल चार्ट पे, क्या इनके फ्रेश बाइंग लेवल हो सकते हैं, एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या यहाँ पर नजरिया हो सकता है, एज ए इन्वेस्टर क्या आपका नजरिया होना चाहिए। ये सारी बातों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपके सामने यहाँ पर एक एनालिसिस रखने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों आपको अच्छा पसंद आएगा ये वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर करना है। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए निफ्टी आईटी की यहाँ पर गिर क्यों रहा है। तो इसका सबसे मेजर रीजन है दोस्तों, जिस प्रकार का यहाँ पर आईटी ने एक रनअप दिखाया था कोविड के क्रैश के बाद, तो इसका दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट होना तो लाजमी था। देखिए, एक ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में इंडेक्स मूव करेगा, उसका करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन होना ज़रूरी है। उसी के बाद दोस्तों एक नेक्स्ट मूवमेंट वो पकड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही मूवमेंट में हमेशा इंडेक्स चलेगा। तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी ज़रूरी है कि ये करेक्शन तो रिक्वायर्ड था। अब दूसरी बात, आईटी सेक्टर में अभी भी इतना प्रेशर देखने को क्यों मिल रहा है जबकि दूसरे सेक्टर भाग रहे हैं, तो उसका दूसरा रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो वर्ल्ड के इंडाइसिस है, जहाँ पर हम टेक इंडाइसिस की बात करते हैं, तो वो सारे करेक्ट हो रहे हैं। चाहे हम डाउ जोन्स के टेक की बात करें, जहाँ पर फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जाइंट्स आते हैं, वो भी सारे करेक्ट हो रहे हैं। तो आपको सीधा सीधा असर उसका देखने को मिलता है इंडियन इंडाइसिस पे। निफ्टी आईटी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तीसरा रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों, जो राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स है यूएस की, उसी के वजह से यहाँ पर आपको मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट टेक स्टॉक्स पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब यील्ड्स बढ़ेगी, मतलब जो रिटर्न्स होते हैं बॉन्ड्स के वो बढ़ेंगे और बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो इन टेक कंपनियों का दोस्तों जो एक मेजर किया जाता है अर्निंग्स को, वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे किया जाता है। तब जब यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, राइजिंग यील्ड होगी, तो यहाँ पर इनका जो लॉन्ग टर्म अर्निंग्स है उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए आपको यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें यूएस के या फिर यूरोप के टेक की भी, तो कंपनीज की भी, तो वहाँ पर भी आपको एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसके पीछे का रीज़न यह है, और ये दोस्तों करेक्शन अभी आपको थोड़े टाइम तक और दिख सकता है। जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि यील्ड्स बढ़ रही है और मार्केट्स में करेक्शन आ रही है, नेगेटिव सेंटिमेंट जनरेट हो रहा है अक्रॉस दी ग्लोब, तो अब ये थोड़ा सा आपको और करेक्शन होते हुए दिखेगा। तो निफ्टी आईटी में आप देखेंगे, इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास है। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रेशर और बढ़ा, अगर 0.05 भी यहाँ पर यील्ड बढ़ती है, तो आपको ये और ज़्यादा नीचे डाउनफॉल आता हुआ दिख सकता है। निफ्टी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स पूरा करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो करीब करीब अभी यहाँ से भी मुझे लगता है कि ये कम से कम 5% के आसपास करेक्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबिलिटीज ऐसी है अगर यील्ड्स बढ़ी, तो नहीं बढ़ी तो डेफिनेटली दोस्तों यहीं से ये रिकवरी आपको दिखाने लग जाएगा। पूरा इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर सारी कंपनीज ये आती हैं, चाहे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, माइंडट्री, LNTI, ये सब चीज़ हम इनको मिला कर एक इंडेक्स बनता है। तो मुझे लगता है अभी पूरा मार्च ये यहाँ पर आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल में आने वाले हैं रिजल्ट्स आईटी कंपनी के Q4 के, तो वहाँ पर अच्छे अगर रिटर्न्स आए तो वापस से आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। तो मार्च एक ऐसा महीना है जहाँ पर आप, अगर आप लंबे समय का नज़रिया है दोस्तों, तो ज़रूर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन स्टॉक्स को। तो चलिए सीधा पहले स्टॉक पर चलते हैं, वहाँ पर आपको उसका मैं बाइंग लेवल बताता हूँ, पूरा बाय सेल होल्ड पूरा यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो HCL टेक की हम सबसे पहले बात करेंगे, तो HCL टेक में देखते हैं अभी क्या यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है। तो आप देखेंगे दोस्तों, HCL टेक अपने ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास खड़ा है। इसका ये प्रीवियस सपोर्ट भी है, यहाँ पर भी देखिए इसने कई बार इसने सपोर्ट लिया है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। तो मतलब अब यहाँ से ये हो सकता है वापस ऊपर की चाल पकड़ ले। और अगर HCL टेक की बात करें, तो HCL टेक दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे सस्ते PE पे अवेलेबल है ऑल कंपनीज में। टेक की, आईटी कंपनी की हम बात करें, तो HCL टेक सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और HCL टेक और टेक महिंद्रा की हम बात करें, बाकी आप देखेंगे थोड़े से आपको विप्रो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बाकी आप देखेंगे थोड़े से आपको PE जो है इनका ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्री के PE की हम बात करें, तो इंडस्ट्री के PE देखिए अब 26 के आसपास है। तो इंडस्ट्री के PE से अगर हम बात करें, तो HCL टेक सस्ता है, विप्रो सस्ता है,
और टेक महिंद्रा सस्ता है, बाकी आप देखेंगे माइंडट्री, एलटीआई, इंफोसिस और टीसीएस, ये इंडस्ट्री के पीस अभी महंगे चल रहे हैं। तो अभी जब करेक्शन हुआ है दोस्तों, अब ये आपको यहाँ पर एक अच्छे वैल्यूएशंस पे मेरे हिसाब से मिल रहे हैं, तो आप इनको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात करें एससीएल टेक की वापस से, तो एससीएल टेक का दोस्तों यही सपोर्ट है 900 पे इसका सपोर्ट है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप जरूर इसको एवरेज कर सकते हैं इधर, और फ्रेश बाय भी आप यहीं पर कर सकते हैं। और ये गिरता है नीचे तो और इसको एवरेज करिए। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कोई सजेशन नहीं देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से मार्च मार्च में आईटी जो ये कंपनीज हैं आपको प्रेशर में दिख सकती है। जैसे ही मार्च के लास्ट वीक में आराम चालू होंगे या सेकेंड या थर्ड वीक में आपको फिर से एक रनअप इसमें देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा अजम्पशन कहता है। बाकी आपकी रिसर्च एक बार आप खुद भी करिएगा। मेरे हिसाब से ये फ्रेश बाइंग लेवल है 900 HCL टेक का। चलिए दूसरी कंपनी पे चलते हैं। दूसरी कंपनी है LTI। LTI भी आप देखेंगे दोस्तों अभी थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है। LTI में करीब करीब ये 3490 के आसपास आ सकता है। यहाँ से भी अभी 2% और मेरे ख्याल से ये करेक्ट हो सकता है, 2% एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर इसका नीचे एक सपोर्ट है। ये देखिए 2-2.5% अभी करेक्ट हो सकता है। यहाँ पर इसका एक सपोर्ट है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है। ये ब्रेकआउट गया था, फिर इसने देखिए कितना ऊपर गया था। अभी ऊपर यहाँ पर डबल बॉटम बना के सारी कंपनी नीचे आ रही है। अपने इंडेक्स में भी, आईटी इंडेक्स में भी देखा, यही एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर ही करीब करीब LTI आपको 3500 के आसपास आप मान सकते हैं राउंड ऑफ में आता हुआ दिखेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो ज़रूर आप इसको एवरेज कर सकते हैं इसी लेवल पे। अपने ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो देखिए कितना करेक्ट हो चुकी है अपने ऊपरी स्तरों से। ये सारी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अपने ऊपरी स्तरों से करीब करीब 20-20% करेक्ट हुई है। इतना अच्छी अर्निंग इनकी विजिबिलिटी है, अच्छा सेक्टर है, अच्छी इंडस्ट्री है। अगर 20% ही अपने ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो जाती है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, तो आपको ज़रूर वहाँ पर एवरेज करने की सोचनी चाहिए अगर आप ऊपरी स्तरों पर फंसे हुए हैं। बाकी आप नीचे के स्तरों पर लिए हुए हैं तो ज़रूर आप फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, एक्यूमुलेट और कर सकते हैं अगर 20% यहाँ पर आपको इतनी अच्छी कंपनीज करेक्शन पे मिल रही है। तो ये थी दूसरी बात करेंगे। तीसरी कंपनी की वो है टीसीएस। टीसीएस भी दोस्तों ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे खड़ी है, तो अगर आप टीसीएस को बाय करना चाहते हैं, फ्रेश बाय लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो जरूर इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे भी। जी हाँ दोस्तों, करंट मार्केट प्राइस पे हो सकता है 2-4% और नीचे चले जाए, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। आईटी का स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आईटी तो यहाँ पर चलने वाले दोस्तों, नया अगला डेकेड पूरा आईटी का होने वाला ऐसा लगता है। और आईटी हमेशा के देखिए एवरग्रीन सेक्टर है आईटी, तो आईटी यहाँ पर डेफिनेटली चलेगा। हो सकता है कुछ ग्लोबल फैक्टर्स इन पर इम्पैक्ट करते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा आईटी सेक्टर ग्रो करता रहेगा। तो आईटी सेक्टर पर आप ज़रूर अपनी यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। टीसीएस का मैंने बता दिया आपको करंट मार्केट प्राइस पे। बात करें माइंडट्री की, माइंडट्री देखते हैं माइंडट्री पे अभी कहाँ तक। यहाँ पर माइंडट्री भी दोस्तों ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है। आप देखिए सारे आईटी के स्टॉक जो है आपको देखेंगे एक सेम सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न में दिखेंगे, डबल टॉप से गिर के यहाँ पर नीचे आए हुए हैं। तो मतलब अभी ये वैल्यूएशंस वाइज और प्राइस वाइज भी आपको अच्छे लग रहे होंगे, और मेरे हिसाब से दोस्तों अभी ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। इसकी खरीदारी यहाँ नहीं करनी थी, अब जब यह करेक्ट हो चुके हैं तो अब यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी इनमें करनी चाहिए। माइंडट्री भी अभी करीब करीब 2% के आसपास और करेक्ट हो सकता है, तो अगर आपको फ्रेश बाय करनी है तो यहीं पर ही CMP पे इसको बाय कीजिए 1600 के लेवल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1550 तक आपको मिल सकता है। अगर देखिए ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ अगर हमारे नेगेटिव रहे तो डेफिनेटली दोस्तों आईटी सेक्टर पे ज़रूर यहाँ पर प्रेशर रहेगा। हो सकता है ये पूरा इंडेक्स 5% करेक्ट हो जाए तो आपको ये कंपनियाँ भी 2% 3% भी करेक्ट होती हुई और दिख सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक लंबे समय के नज़रिया रखते हैं, लंबे निवेशक के तौर पर आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे मौके हैं इन सारी कंपनीज में। माइंडट्री की हमने बात कर ली। बात करें विप्रो की, विप्रो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कहाँ सपोर्ट नज़र आ रहा है विप्रो का। तो विप्रो भी देखिए ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास है, करीब करीब 13-14% करेक्ट हो चुकी है। अभी विप्रो को एक अच्छा खासा $500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट अभी यहाँ पर इनको मिला है, एक डील हुई है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था आईटी वाला, तो उसमें आपको बताया था। तो ये कंपनीज हैं दोस्तों, इनकी डील्स हमेशा, इनके पाइपलाइन जो है बहुत ही स्ट्रांग है। इनके पास बहुत ही ऑलरेडी काफ़ी डील्स हैं जो कि ये इनके पाइपलाइन में है और जो ये क्लोज करेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले क्वार्टर्स में। तो यहाँ पर इनकी अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली विजिबल है। और पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, मैंने उसमें आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट के थ्रू समझाया था कि क्या आपको इन कंपनीज में करना चाहिए, क्या यहाँ पर आउटलुक दिख रहा है, डिमांड आउटलुक क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेश बाय लेवल, फ्रेश बाइंग लेवल है विप्रो का।
406। जी हाँ दोस्तों, मतलब करंट लेवल पे ही आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये और करेक्ट हुआ तो ये मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ से ज़्यादा 20 पॉइंट और नीचे गिर जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं गिरेगा। तो यही इसका CMP पे इसका फ्रेश बाइंग लेवल है। बात करें नेक्स्ट टेक महिंद्रा, एक और बेहतरीन कंपनी, सस्ते वैल्यूएशन पे, सस्ते PE पे अवेलेबल है। टेक महिंद्रा में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, तो ये करीब करीब आ सकता है दोस्तों 880 के आसपास, या फिर राउंड ऑफ में कह सकते हैं हम 900 के आसपास। तो 900 के आसपास तो ये ऑल्सो चल रही है, ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ से 2% और करेक्ट हो सकता है जिस प्रकार का इसका चार्ट दिख रहा है। तो हो सकता है इसमें प्रेशर थोड़ा सा और बना रहे, सेलिंग प्रेशर आ रहे हैं इसमें। तो ये आपको 880 के आसपास मिलेगा, तो आप इसको फ्रेश बाय कर सकते हैं। अगर लंबे समय का नज़रिया है तो आप डेफिनेटली इसको CMP भी बाय कर सकते हैं, 2-3% से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। लास्ट और बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इन्फोसिस। जी हाँ दोस्तों, इन्फोसिस की हम बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अपने ऊपरी स्तरों से करेक्ट हो चुकी है। देखते हैं कितना परसेंट करेक्ट हुई है, तो आप देखेंगे तो करीब करीब 10% ये करेक्ट हो चुकी है। तो अभी भी ये 1230 तक आ सकती है नीचे के लेवलों पे। और अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए, इन्फोसिस वन ऑफ द बेस्ट, TCS, इन्फोसिस एंड जितने भी कंपनीज है, LTI, यू नो विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, HCL टेक, बेहतरीन कंपनी है दोस्तों सारी। तो इसको भी आप फ्रेश बाय CMP पे कर सकते हैं। लंबे समय का नज़रिया आपको रखना पड़ेगा, आपको ये ज़रूर अच्छे खासे रिटर्न बना के देने वाले हैं आने वाले सालों में। ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छा एक बूस्ट देंगे टेक कंपनीज। तो ये था दोस्तों पूरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेश्चन है अभी भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो जरूर आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।